तो आज के टाइम पे हर किसी का मन होता है कि वो हिस्टोरिकल चीज़ें देखे जो उसने कभी देखी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हम आ गए हैं आहार म्यूज़ियम में। यहाँ पे 2000 BC से लेके 5000 BC तक की चीज़ें रखी हुई हैं और यहाँ की टाइमिंग्स वगैरह फर्स्टली आप देख लीजिए। और यहाँ की टिकट भी बहुत ही कम है और आप रियली इन्जॉय करेंगे। ये व्लॉग बहुत ही सुंदर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे उस टाइम का स्टोरेज जार रखा हुआ है जिसकी हाइट है 4.9। उस टाइम का स्टोरेज जार देखिए कितना सुंदर और कितना बड़ा है। और ये ग्राइंडिंग स्टोन जो आजकल भी रखते हैं लोग, लेकिन उस टाइम का ये ग्राइंडिंग स्टोन है, देखिए कितना सुंदर है ये। और इस मटके पे देखिए किस तरह से ये डिज़ाइनिंग की गई है, और अभी भी ये वैसा ही है जैसा उस तरफ से रखा गया था। आप क्लोज व्यू देख सकते हैं इसका, और देखो इस पर लिखा हुआ भी है 4.9, सेकेंड सेंचुरी का है। और अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल ब्रिक्स यानी उस समय की ईंटें। ये देखिए उस टाइम पे कितनी बड़ी बड़ी ईंटें होती थी। और ये पूरा वहां का व्यू है। यहाँ पे ऑर्नामेंट्स वगैरह भी रखे हुए हैं जो बीट्स बनाए गए हैं, जो 3rd century के हैं। दीज आर दी पॉट्स। और ये है टेराकोटा स्किन रबर्स, जो आजकल हम लूफा वगैरह से बात करते हैं उस टाइम पे पत्थर हुआ करते थे। और ये है टेराकोटा टॉय कार, उस टाइम पे खेलने के लिए छोटी छोटी गाड़ियाँ। ये हिस्टोरिकल सील्स हैं जो ऑफिशियल कामों के लिए इस तरह से सीलें लगाई जाती थी, ये ऐसी सील है। और ये बीट से बने ऑर्नामेंट्स। और ये भी टॉयज हैं, देखिए इसका क्लोज व्यू। और ये हैं हिस्टोरिकल आयरन ऑब्जेक्ट्स, ये बैंगल्स हैं जो टूटी हुई हैं लेकिन उस टाइम पे ग्लास शेल और मिट्टी से बनी हुई है। ये हिस्टोरिकल बॉन्स रखी गई हैं। और ये कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं। तो अब हम आ चुके हैं वेपन वाले सेक्शन में। ये हिस्टोरिकल वेपन्स हैं और अलग अलग तरह के वेपन्स यहाँ पे रखे गए हैं जो उस टाइम पे यूज़ हुआ करते थे। और ये इतने हैवी है ना, ये बहुत ही हैवी है, हम आज के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं उठा सकते इनको, कुछ लोग ही इसको उठा सकते हैं।
यहाँ पे शील्ड और डैगर रखी हुई है, मतलब कि कतार। और ये देखिए कॉस्ट्यूम उस टाइम की, हेलमेट्स देखिए। और ये पता है बहुत हैवी होते हैं, इनको हम कैरी नहीं कर सकते आज के टाइम पे, ये उस टाइम के लोग ही कैरी कर सकते थे। So I hope you enjoyed this video and thank you for watching. Please like, share and subscribe.